ऑल्ट बालाजी और Z5 की सीरीज बेबाकी आउट हो चुकी है। बेबाकी एक प्रॉमिसिंग सीरीज लग रही है जिसके अभी सिर्फ 8 एपिसोड्स ही आउट हुए हैं। सीरीज दो फैमिलीज की फ्रेंडशिप पर बेस्ड है जो एक फैमिली की तरह एक साथ रहते हैं और एक ही साथ बिजनेस भी हैंडल करते हैं, जिनके बड़े बेटे सुफियान और इम्तियाज भी एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स हैं। सुफियान की अपने फादर से बिल्कुल भी नहीं बनती है और उसकी बचपन की कोई बैक स्टोरी है जिस वजह से उसे प्यार पर विश्वास नहीं है। सुफियान को चैलेंज करती है कायनात और इन दोनों की टकरार शुरू हो जाती है। इस बीच एंट्री होती है इम्तियाज की, जो इन दोनों के बीच रेफरी बन जाता है। सुफियान कायनात को गोल्ड डिगर समझता है, वहीं इम्तियाज कायनात का अच्छा फ्रेंड होता है। अब फैमिली ड्रामा के बीच ट्रायंगल की शुरुआत तो हो जाती है, पर लव का एंगल आने से पहले ही ये 8 एपिसोड्स खत्म हो जाते हैं। तो कह सकते हैं कि अभी तो इंटरवल ही हुआ है और पिक्चर अभी बाकी है। असल स्टोरी शुरू होगी इस शो के बाकी के बचे हुए एपिसोड्स में, जहां ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कायनात कैसे दो बेस्ट फ्रेंड्स सुफियान और इम्तियाज की दोस्ती के बीच दरार लाती है, या कैसे इम्तियाज की दोस्ती ही कायनात और सुफियान के बीच आती है। सीरीज की प्रोडक्शन वैल्यू काफी अच्छी है। कुछ एक दो एक्टर्स को छोड़कर सभी एक्टर्स ने अपने कैरेक्टर्स अच्छे से प्ले किए हैं। थोड़ा सा फैमिली ड्रामा ओवर द टॉप लगता है, जिस वजह से शायद आपको ये शो एक डेली सोप वाली फील दे। उसके अलावा लॉकडाउन के बीच आपको शिमला जैसी जगह इंजॉय करने को मिलती है। सीरीज का बैकग्राउंड स्कोर भी काफी ज्यादा अच्छा है। ओवरऑल अभी तक तो शो के बारे में ज्यादा नहीं बोल सकते हैं, बाकी के एपिसोड्स आने के बाद ही पूरी स्टोरी पता चलेगी और पूरी तरह से इस शो का रिव्यू किया जाएगा।